अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजी यौगिक। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम यहाँ लेंगे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, आणविक या युगात्मक यौगिक। ओके, तो देखो बच्चों, जब क्या किया जाता है कि टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स लिए जाए या फिर सिंपल कंपाउंड्स और उनका मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन को इवेपोरेटेड करने पर एक न्यू सब्सटेंस के क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो इस न्यू सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एडिशन कंपाउंड। समझे ना, कि टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स लिए जाएं या फिर सिंपल कंपाउंड्स लिए जाएं और उनका एक मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए। इस सॉल्यूशन को इवेपोरेटेड करने पर एक न्यू सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो इस न्यू सब्सटेंस को ही क्या बोला जाता है, एडिशन कंपाउंड। यही डिफाइन किया है इसमें कि व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स और सॉल्ट्स इन मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन इज अलाउड टू इवेपोरेट क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। बात समझ गया बच्चों, कि जब क्या किया जाए कि दो या दो से अधिक सरल लवण लिए जाए या फिर सरल यौगिक लिए जाए और उनको एक आणविक अनुपात में मिलाकर जली विलयन बनाए जाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए और इस सॉल्यूशन को वाष्पीकृत करते हैं, तो ऐसे में एक नए यौगिक के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये जो नया यौगिक बन रहा है उसे ही क्या बोला जाता है, एडिशन कंपाउंड। ओके, जब दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में लेकर और विलयन को वास्तविक किया जाता है तो नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, एडिशन कंपाउंड। देखो एक एग्जांपल, ये है KCl और ये है MgCl, टू सिंपल सॉल्ट्स हो गए, वाटर में लाया गया और इवेपोरेशन किया गया। ओके, तो ये बन गया एक सिंपल, सॉरी ये बना एक एडिशन कंपाउंड, KCl into MgCl into 2H2। जस्ट ऐसा ही सेकंड एग्जांपल देखें, FeCl होल ट्वाइस प्लस 4KCl, ये दो सिंपल सॉल्ट्स हैं, इनका भी इवेपोराइजेशन किया गया तो एक नया कंपाउंड बन गया, ऐसे इससे बना है। तो ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं जो कि इन सिंपल सॉल्ट्स से बन रहे हैं, सिंपल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो इन कंपाउंड्स को ही क्या बोला गया है, एडिशन कंपाउंड्स या युगात्मक यौगिक। अब हम इसके टाइप्स में आएंगे, तो इसमें टू टाइप्स मिलते हैं, एक तो होता है डबल सॉल्ट द्विक लवण और एक होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन्हीं को बोला जाता है संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिक। पूरी यूनिट जो है वो इनसे रिलेटेड है। यहां पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंस, दोनों के पहले एग्जांपल्स देखेंगे, फिर सारी डिटेल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की लेंगे। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम यहां पर लेंगे डबल सॉल्ट द्विक लवण। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनमें टू सिंपल सॉल्ट्स होते हैं और ये केवल अपनी सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्टेंस रखते हैं, इनको सॉल्यूशन स्टेट में लिया जाए, मींस इनका सॉल्यूशन बनाया जाए या इनको फ्यूज्ड किया जाए, पिघलाया जाए, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाते हैं। मींस इनका सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्टेंस है बट सॉल्यूशन में या फ्यूज्ड स्टेट में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, मींस हम उसमें ये नहीं पहचान सकते कि ये डबल सॉल्ट है सॉल्यूशन स्टेट में, तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को ही क्या बोला गया है, डबल सॉल्ट। द एडिशन कंपाउंड्स व्हिच आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट आर ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन। समझ गए बच्चे, ऐसे यौगिक जो युगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखते हैं किंतु गलित अवस्था में या विलयन में अपने घटक आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं डबल सॉल्ट। ओके, जैसे एग्जांपल है ये है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट में KCl + MgCl = 6H2। आप देख रहे हैं दो सिंपल सॉल्ट
इस तरह से एडेड है, इनको फ्यूज्ड किया जाए या डिसॉल्व किया जाए तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में इस तरह से कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। इस समय ये क्लोराइड बता पाना पॉसिबल नहीं है कि वो KCl का है या MgCl का है, मतलब हम इसको अब डबल सॉल्ट नहीं कह सकते। इस तरह से टोटल एक सिंपल सॉल्ट की तरह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है क्या, डबल सॉल्ट। और भी अगर एग्जांपल्स हैं जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट, ओके, इसमें भी आप देख रहे हैं टू सिंपल सॉल्ट्स दिख रहे हैं, इसमें भी टू सिंपल सॉल्ट्स दिख रहे हैं, ओके, ऐसे ही तो ये एलम है, ये क्रोम एलम है, इस तरह के बहुत सारे सिंपल सॉल्ट्स से जो बने हुए डबल सॉल्ट्स हैं जिसमें टू सिंपल सॉल्ट्स आप फिजिकली इंटरैक्ट दिखते हैं, तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं हम, डबल सॉल्ट। इनको लिखिए अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डबल सॉल्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि दे कंटेन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट का नेम ही डबल इसलिए है क्योंकि इसमें टू सिंपल सॉल्ट्स होते हैं और वो इक्विमोलर एक रेशियो में, इक्विमोलर का मतलब 1:1 मोल या 2:2 मोल या 3:3 मोल, मतलब जितने मोल एक के जस्ट उतने ही मोल दूसरे के होंगे। समझ गए ना कि दे करके इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, इनमें दो सरल लवण तुल्य अनुपात में होते हैं, पहला है। दूसरा है कि सिंपल सॉल्ट्स डू नॉट लूजेस, ठीक है, लूज इट्स आइडेंटिटी इन डबल सॉल्ट। जो सिंपल सॉल्ट होगा, सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, डू नॉट लूज देयर, ठीक है, आइडेंटिटी इन डबल सॉल्ट। जो सिंपल जो डबल सॉल्ट है उनमें जो सिंपल सॉल्ट्स होंगे वो अपनी एक पहचान रखते हैं, मतलब वहां पर उनकी आइडेंटिटी जो है बनी रहती है। समझ गए ना, जैसे आप अभी एग्जांपल में देखा कि KCl into MgCl into 6H2, तो KCl अपने आप में अलग दिखता है, MgCl2 अपने आप में अलग दिखता है, तो ये है सिंपल सॉल्ट्स में। तो समझ के बच्चों कि द्वि लवण में दोनों सरल लवण अपनी पहचान नहीं खोते। नेक्स्ट है कि मेटल आयंस दे आर नॉर्मल बैलेंस मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आप देखोगे कि जो मेटल आयन होगा उसकी केवल और केवल क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट मींस प्राइमरी वैलेंसी, और कोई सेकेंडरी बैलेंस इस तरह की कोई भी फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है तो समझिए बच्चों कि धातु आयन में केवल अपनी सामान्य संयोजकता दिखेगी। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स, ओके, कि जो प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट है आर सेम एज देयर सिंपल सॉल्ट्स। उसमें जो सिंपल सॉल्ट्स हैं उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग से कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की नहीं होती। जैसे SO4 चाहे डबल सॉल्ट में हो और चाहे किसी सिंपल सॉल्ट में, अगर वो बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो दोनों जगह बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा। तो समझ लो बच्चों कि द्वि लवण के जो गुण हैं वो अपने घटक सरल लवण के गुणों के क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। नेक्स्ट है डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेटल आयन एंड नेगेटिव आयन। इनके जो मेटल आयन है और जो नेगेटिव आयन है सिंपल सॉल्ट के, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये आयंस ओनली एग्जिस्ट, इनमें क्या होंगे, केवल आयनिक बॉन्ड होंगे। समझ गए बच्चों कि धातु आयन और ऋणात्मक आयनों के मध्य कोई उपसंयोजी बंध नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके, कि आपने देखा कि मोहर सॉल्ट है तो यहां पर Fe SO4 into NH4 whole twice SO4 into 6H2, तो एक सिंपल सॉल्ट ये है, एक सिंपल सॉल्ट, समझ गए ना, ये क्या है इसका, एक सिंपल सॉल्ट। तो एक ऐसा ही यहां पर क्या है, ये एक सिंपल सॉल्ट, ये किसमें है, 1:1, तो ये इनका मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। आप देखते हैं कि इसमें जब अगर आयोनाइज्ड हो जाए तो ये क्या बनेगा, Fe2+ SO4 2-, तो टोटल SO4 देखो कितने हो गए, 2+ 2 NH4+ आयन प्लस यहां पर ये हो गया 6H2। तो यहां पर Fe2+ अपना अलग टेस्ट देगा, सल्फेट अलग टेस्ट देगा, अमोनिया का टेस्ट अलग आएगा, मतलब ये सब आयंस अपने आप में बिल्कुल अलग है और यही इनमें टेस्ट मिलेगा। आप इनमें अगर सल्फेट आयन का टेस्ट लगाएं या फेरस आयन का
इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन दो सिंपल सॉल्ट्स के कारण, मींस इनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ कि कोई नया कंपाउंड बना हो और इससे कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, वो बिल्कुल डिफर नहीं होगी, जो इनकी है वही इनके सिंपल सॉल्ट्स की होती। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको डबल सॉल्ट्स में दिखते हैं, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं और ये हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ओके, संकुल लवण। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो हैं जिसमें सिंपल सॉल्ट्स जो है, टू सिंपल सॉल्ट्स या टू सिंपल कंपाउंड्स एक केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़ जाते हैं। समझ गए ना, कि इसमें जो दो सिंपल कंपाउंड्स हैं या सॉल्ट्स हैं उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में जो सिंपल सॉल्ट्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रह जाती, केवल एक नया कंपाउंड बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये अपनी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या वेपर स्टेट, किसी भी स्टेट में हो अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है। तो ये लिखा है कि एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स और कंपाउंड्स एंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन। समझ गए ना, कि ये अपनी सॉलिड स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में, इनमें अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, उन्हीं को बोला गया है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझ गए बच्चों, कि ऐसे युग्मात्मक यौगिक जो सरल यौगिकों के या लवण के संयोजन से, रासायनिक संयोजन से बनते हैं, और उन्हें जो अपनी ठोस अवस्था, गलित और विलयन अवस्था में सब में अस्तित्व रखते हैं, उन्हीं को बोला गया है संकुल लवण। जैसे यहाँ पर सिंपल सॉल्ट्स है, FeCl मोल का एक सिंपल सॉल्ट है, KCN ये सिंपल सॉल्ट है, क्या बन गया K4FeCN6। जस्ट ऐसा ही कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया से। तो ये जो बने हैं यही है हमारे क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, वैसे तो हमें पूरी यूनिट इन्हीं से रिलेटेड पढ़नी है, फिर भी एक कंपेयर करें अगर हम डबल सॉल्ट के साथ, तो देखो दे आर डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस है उनमें कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, मींस हम ये कह सकते हैं कि मींस ओनली ठीक है पार्शियल आयनाइजेशन टेक्स प्लेस। समझ गए ना, इनका केवल एक पार्शियल आयनाइजेशन होगा, मतलब इनमें जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपको आइंस दिखेंगे वही टूट के बाहर होंगे। तो ये कंप्लीटली अपने आयनाइज्ड आयन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंसों में आयंस में नहीं ब्रेक होते। समझ गए बच्चों, के अपने घटक आयन पूर्ण नियोजित नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये जिन सॉल्ट से बने हैं उनसे बिल्कुल अलग है। देखो FeCl KCl बहुत अधिक पॉइजनस होता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये पॉइजनस नहीं है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी इन दोनों सिंपल सॉल्ट से बिल्कुल अलग होगी, भिन्न होगी। फिर है मेटल आयन, सो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। इसमें जो मेटल आयन होगा उसकी टू टाइप्स की वैलेंसीज दिखेंगी, एक तो प्राइमरी और एक क्या दिखेंगी आपको सेकेंडरी। हम इनको डिटेल में अलग से लेंगे। तो धातु आयन में दो प्रकार की संगतताएं दिखेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी, जबकि डबल सॉल्ट में आपने देखा था कि मेटल आयन केवल प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। ओके, और नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, और इन कंपाउंड्स में क्या होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होंगे। तो ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट में और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आपको दोनों में कंपेयर करने पूछ लिया जाए तो इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है संकुल आयन। तो ये क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके आयनाइजेशन से बनने वाला एक ऐसा रेडिकल जिसमें सेंट्रल मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स ये एक साथ होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या कॉम्प्लेक्स आयन। मींस इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम,
which surrounded by electron pair donor species means ligands. Okay, जिसको हम क्या बोलते हैं ligands is called complex ion. समझते हैं ना कि आवेशित मूलक जिसमें केंद्रीय धातु आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मदाता प्रजातियों ये प्रजाति जिसको कहते हैं ligand से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों complex ion. अब ये थ्री टाइप्स के आप देखेंगे एक तो होते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये है सेंट्रल मेटल आयन ये है अमोनिया यहाँ पर लिगेंड जितने नंबर में जुड़े हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है जिसमें मेटल आयन और लिगेंड्स एनक्लोज्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अभी हम इसको अलग से भी डिफाइन करेंगे और ये तो सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये पूरा ये जो है यही क्या कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन. पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा जैसे इस तरह की स्पीशीज हैं और एक होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन तो ये कॉम्प्लेक्स आयन तो नहीं बोल सकते क्योंकि न्यूट्रल है तो इस तरह से स्पीशीज भी होंगी जो बिल्कुल कंप्लीट न्यूट्रल होंगी. अब हम आते हैं लिगेंड्स के बारे में या लिगेंड होता क्या है पहले तो हम इसे डिफाइन करें. तो देखो एटम मॉलिक्यूल और आयन विच गिव मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस. समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी एटम मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड लिगेंड. लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है जो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकती है मॉलिक्यूलर या फिर कहें आयन के फॉर्म में और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो कहलाता है लिगेंड. समझ गए बच्चों परमाणु अणु में आयन जो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है. जैसे ये है हमारे पास कोबाल्ट 3+ और यहाँ पर ये है अमोनिया तो अमोनिया अपना लोन पेयर देके ये कॉम्प्लेक्स बनाती है तो ये जो बना है ये क्या है कॉम्प्लेक्स आयन. तो इसमें जो अमोनिया जुड़ा है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा है या 5 अमोनिया इस तरह से जुड़े हैं कोऑर्डिनेशन से तो यहां पर अमोनिया ही क्या है लिगेंड है. पूरा खेल आप देखोगे कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन और लिगेंड का ही है तो यहां तक इसको अब देखो बच्चों नेक्स्ट है यहां पर डेंटिसिटी. डेंटिसिटी दंतुकता आप देखोगे जो लिगेंड्स क्लासिफिकेशन है वो डेंटिसिटी के बेस पर किया गया है. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेंटिसिटी होती क्या है. तो देखो किसी भी लिगेंड में ऐसे ग्रुप्स या एटम्स जो मतलब एक ही लिगेंड में ऐसे ग्रुप्स या एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर सेंट्रल मेटल आयन से बाइंड होते हैं मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो उन ग्रुप्स या एटम्स के नंबर को ही क्या बोला गया है बच्चों डेंटिसिटी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप्स इन अ सिंगल लिगेंड दैट बाइंड टू सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. समझ गए ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले ग्रुप्स जो केवल एक ही लिगेंड में होते हैं वो कहलाती है डेंटिसिटी. अगर एक लिगेंड में केवल एक ही ग्रुप है जो एक लोन पेयर दे रहा है तो डेंटिसिटी क्या होगी 1 या मैं कहें कितने भी हों लेकिन एक ही ग्रुप उसमें क्या है सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा है तो उसकी डेंटिसिटी कितनी लेंगे हम 1 जगह से 2 अगर ग्रुप्स ऐसे बॉन्डेड हो रहे हैं तो बाइडेंटेड. तो समझ गए बच्चों कि व्हेन ओनली वन ग्रुप और एटम ऑफ लिगेंड बाइंडेड विद मेटल आयन देन डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड बिकम्स 1 मींस वो कहलाएगा यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड. तो समझ गए बच्चों कि एकल लिगेंड के ऐसे ग्रुप्स या एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर क्या बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड रहते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो उन ग्रुप्स या एटम्स की संख्या को नंबर को ही क्या बोला गया है दंतुकता. एकल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूहों की संख्या जो धातु आयन से धातु जो संकुल में धातु आयन से जुड़ी होती है लिगेंड की दंतुकता कहलाती है. यदि लिगेंड केवल एक समूह या परमाणु धातु आयन से जुड़ा है तो दंतुकता 1 होगी. जैसे अमोनिया है तो
कोबाल्ट 3 प्लस से बॉन्डेड है, तो हम अगर एक अमोनिया की बात करें तो एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई 1, मींस ये अमोनिया एक कैसा होगा, मोनोडेंटेट लिगैंड, एक दंतुक लिगैंड। इथाइलिन डाइअमाइन की बात करें तो इसके दो ग्रुप मींस NH2 यहां एक NH2 ये ग्रुप दोनों जुड़ रहे हैं सेंटर मेटल आयन से, तो ये कौन सा लिगैंड हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगैंड, ऐसा हेक्साडेंटेट तक होता है। तो यहां तक नोट करें, अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो इन लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स हैं ये किस बेस पर है, और द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स या एटम्स हैं, इस बेस पर डिवाइड किया गया है मोनोडेंटेट या इनको यूनिडेंटेट बोलते हैं, एक दंतु। ठीक है, लिगेंड्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप या एटम, समझ गए ना कि इन लिगेंड्स में केवल एक या सिंगल ग्रुप होगा या एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, लिगेंड में केवल एक परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा। तो अभी इनमें ना 3 टाइप्स के मिलेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, यही हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे हैं, आप उनको और भी देख सकते हैं, लेकिन हमें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मैं उन्हीं को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लोराइडो, ध्यान रखें यहाँ क्लोरो यूज ना होके क्या यूज होता है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, सल्फेटो, एसिटेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, ठीक है, थायोसाइनाइडो, एजाइडो, फॉर्मेटो, एमीडो, एमीडो और इनीडो, और भी हैं जैसे CO3-2, ये क्या है, कार्बोनेटो, इस तरह के। तो ये लिगेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में केवल एक एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। पॉजिटिव में हाइड्रोजीनियम और नाइट्रोसोडियम, ये ग्रुप्स हैं जो कि पॉजिटिव लिगेंड्स में आते हैं। फिर है न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल में H2O एक्वा, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, NH3 अमाइन, C5H5N पिरिडीन, इसके अलावा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इस तरह के न्यूट्रल लिगेंड्स मोनोडेंटेट में आ जाते हैं। तो ये इनके हैं मोनोडेंटेट, ऐसे ही हम बाइडेंटेट से हेक्सा तक लिखेंगे। जहां तक अब देखो बच्चों अब और भी आ जाते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या होंगे, हैविंग टू एटम्स और ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन, ठीक है, सिंगल सिंगल लिगेंड। समझ गए बच्चों कि एक सिंगल लिगेंड में कितने होंगे, दो परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन एक यहां पर डोनर है, एक ये डोनर है। ऑक्सालेटो में ये ऑक्सीजन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। ग्लाइसिनेटो आप देख रहे हैं कि ये डोनर है और एक ये डोनर ग्रुप है, जस्ट यहां पर आ गया तो एक यहां डोनर है एक यहां है, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो, एसी एसी। डीएमजी एक ये डोनर है और एक यहां पर डोनर है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन डीएमजी, ओके। फिर आ जाते हैं ट्राइडेंटेट, जिसमें 3 एटम्स या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, जैसे ये है, ठीक है, डाइथाइलिन 1 डाइइथाइलिन और ट्राइअमाइन, तो एक ये डोनर है एक यहाँ डोनर है एक यहाँ डोनर है, तो कुल मिला के ये 3 NH2 जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है DIEN, जैसे इसको ऑक्सीजन, इसका GLY, इसका ACAC, इसका DMG, इसका EN, ये सिंपल एब्रिवेशन है, ऐसे ही इसका है DIEN। टेट्राडेंटेट का मतलब है 4 डोनर होंगे, देखो एक ये डोनर है इसमें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसको बोलते हैं नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो NTA, ओके। ऐसे ही ये है ट्राइएथाइलिन टेट्राअमाइन, देखो एक टेट्राअमाइन क्यों, एक ये है डोनर, एक ये है डोनर, एक ये है डोनर और एक कुल मिला के ये है टेट्राडेंटेट। पेंटाडेंटेट में 5 डोनर है, देखो 1, 2, 3, 4 और ये है 5, इसको बोलेंगे 5 एटम्स और ग्रुप है डोनर, ये है इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेटो EDTA। हेक्साडेंटेट में कितने एटम्स डोनर होंगे बच्चों, 6, देखो एक ग्रुप दूसरा
तीसरा चौथा पांचवा और जो है छठवां, इसको बोलते हैं थाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटू ईडीटी। अब मैं देखो एक हेक्साडेंटेट का कॉम्प्लेक्स बना के बता दूं किस तरह से ये डेंटेट जुड़े होते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहां पर मान लो एम है और यहां लिखा है ईडीटी ए, ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहां माइनस टू लिख दिया है, तो यहां पर ये प्लस टू है, तो देखो इस तरह से जुड़ा होता है। जो ये छह नाइट्रोजन है, यहां पर अगर हम देखें कि ये है एक NH2, ओके, और यहां थोड़ा और फैला के लिख दूं मैं, यहां पर ये है N CH2 CH2N, एक तो ये एक ये हो गया, ओके। एक यहां से हम ऐसा ले लें CH2 COO, ऐसा यहां पर CH2 COO, एक यहां चले जाए CH2 COO, एक यहां पर CH2 COO, तो एक यहां पर जो है ये डोनर बन गया, यहां से जस्ट ऐसा ही डोनर यहां से हो गया, इन ग्रुप्स को हम यहां ले लेंगे माइनस ग्रुप, यहां से एक डोनर ये है, एक डोनर ये, तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो मैग्नीज का प्लस जो Mg, ये कौन हो सकते हैं, Mg है या Ca2+, इस तरह के आयंस होते हैं जिनके साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है इस तरह का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, चार माइनस थे, दो प्लस और दो माइनस कैंसिल हो गए, चार जा गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस टू। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स में डेंटेड हेक्साडेंटेड आप देख रहे हैं छह जगह से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एक डोनर ये हो गया, एक डोनर ये है, एक डोनर ये है, एक डोनर ये है, एक डोनर ये है, ये, तो कुल मिला के सेंट्रल मेटल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गए, सिक्स, तो ये छह इलेक्ट्रॉन डोन पेयर। तो हम कहेंगे EDTA क्या है, हेक्साडेंटेट। जस्ट ऐसा ही देखो ACAC जो ग्रुप होता है सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये है O CH3 CH डबल बॉन्ड CO माइनस और ये है CH3, तो एक कोऑर्डिनेशन यहां से है, एक यहां से, ऐसे ये कितने जुड़े होते हैं, तीन, तो लिखा होता है CO AC AC होल थ्राइस, और चार्ज लगा दिए मैंने जीरो, क्योंकि एक AC में नेगेटिव चार्ज है, तो तीन प्लस ये और तीन माइनस तो न्यूट्रल हो, तो ये है कोबाल्ट ACAC कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ये कितना हो गया, वन एंड टू, तो ये क्या हो गया यहां पर, वाई डेंटेट, ओके। तो इस तरह से मोनो डेंटेट, वाई डेंटेट, ये जो है डेंटिसिटी कहलाती है कि कितने लोन पेयर वाले, मतलब एक ही लिगेंड के कितने एटम्स लोन पेयर देके सेंट्रल एटम से बॉन्डेड हैं, यहां तक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, ये कौन से लिगेंड्स हैं, फ्लैक्सी डेंटेट लिगेंड्स, मींस पॉलीडेंटेट लिगेंड है बट उसकी डेंटिसिटी जो है ना वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, समझ गए ना, कि लिगेंड्स हैविंग वेरिएबल डेंटिसिटी व्हिच डिपेंड्स नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, समझ गए बच्चों, कि ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी वेरिएबल होती है, ऐसे लिगेंड जिनकी धातुकता परिवर्तित होती है, ये धातु आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इनको बोलते हैं क्या, फ्लैक्सी डेंटेट। जैसे EDTA है, इसकी डेंटिसिटी 4d होती है 6, देखो कैसे, जब इसका डाइसोडियम सॉल्ट लिया जाता है तब केवल इसका एक दो और एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, जहां पर निगेटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि यहां माइनस तो यहां क्या प्लस, तो यहां माइनस तो ये, तो सोडियम इजी गोइंग हट जाते हैं, और ऐसे में ये डाइसोडियम सॉल्ट तो ये दो तीन चार का ही यूज करता है, और डेंटिसिटी कितनी होती है 4, और जब इसका टेट्रासोडियम सॉल्ट यूज होता है तो एक ग्रुप ये, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और दो ये ग्रुप, तो कुल मिला के यहाँ पर ये छह के छह यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाती है 6। तो ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी वेरिएबल हो तो वो कहलाते हैं बच्चों क्या, फ्लैक्सी डेंटेट, इसका एग्जांपल है EDTA। फिर है एमडी डेंटेट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, देखो ऐसे लिगेंड
जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स होते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। समझ गए ना, ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में केवल एक एटम से ही लोन पेयर डोनेट करते हैं, मींस मोनोडेंटेट की तरह वर्क करते हैं, तो ये कहलाते हैं एम्बीडेंटेट। समझ गए बच्चों कि देयर इज सर्टेन लिगेंड्स इन व्हिच हैविंग टू और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन या वन डोनर एटम इज अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, मींस ये किस तरह से होते हैं मोनोडेंटेट, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में दो में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, दोनों यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों यूज इसलिए नहीं होते बच्चों क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इस तरह से बनेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। पहला एग्जांपल है जैसे NO2 में आप देखोगे डोनर 2 है, इसमें एक डोनर ये है एक डोनर ये है, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी मेटल आयन से जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ते हैं, तो जब ये नाइट्रोजन के थ्रू मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लिखा होता है नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, जितने भी नाइट्रो ग्रुप हैं, या फिर इसी में लिखा होता है नाइट्रो एन कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा होता है? नाइट्रो एन कॉम्प्लेक्स। नाइट्रो एन का मतलब होता है कि नाइट्रो ग्रुप का एन एटम सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है और एक होते हैं ओ के थ्रू जुड़े हुए, तो ये कहलाते हैं नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स। तो नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स को लिखा होता है नाइट्रो ओ कॉम्प्लेक्स, कि नाइट्रो ग्रुप ओ के थ्रू बॉन्डेड है। अगर नाइट्रो ओ लिखा है तो इसका मतलब है कि ओ के थ्रू जुड़ा है, नाइट्रो एन जुड़ा है तो हम एन के थ्रू जुड़ सकते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये दोनों यूज होते हैं, या तो नाइट्रो लिखा होता है या नाइट्राइटो, या फिर इस तरह से लिख दिया जाता है। ओके, ऐसे ही साइनाइड में देखो आप, साइनाइड में जो है सीवी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और नाइट्रोजन, मतलब यहाँ ये भी पेयर डोनर है और एक यहाँ, तो जब ये कार्बन के थ्रू मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनको लिखा होता है साइनाइडो कॉम्प्लेक्स या साइनो एन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या लिखा होगा? साइनो सी कॉम्प्लेक्स। और जब इसके थ्रू लिखते हो तो ये लिखे होंगे साइनाइडो, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा साइनाइडो सी कॉम्प्लेक्स और लिखे होंगे साइनाइडो, ठीक है, एन कॉम्प्लेक्स। तो ये एन के थ्रू जुड़ा है तो ये सी के थ्रू, तो ये साइनाइडो, तो ये आइसो साइनाइडो कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही SCN और तो ये इसका एक यहाँ पर ये किसके थ्रू जुड़ा जाएगा? नाइट्रोजन के थ्रू। इसमें किसके थ्रू जुड़ा जाएगा? सल्फर के थ्रू। ऐसे ही SECN हो गया और MCSE हो गया, मतलब SECN सेलेनियम का सल्फर जैसा ही होता है और MCSE, तो यहाँ पर ये सल्फर के थ्रू जुड़ सकता है, यहाँ ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है, ऐसा ही इनमें होता है। तो इस तरह के लिगेंड्स जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम रखते हैं बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट की तरह वर्क करते हैं उनको बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ तक अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है किलेटिंग लिगेंड्स। किलेट लिगेंड एक्चुअली जो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है, बहुदंतुक जो लिगेंड है वो उन्हीं को बोला गया है क्या? किलेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स क्या करते हैं? मेटल एटम के साथ टू और मोर पोजीशंस से सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना लेते हैं जिसे बोलते हैं किलेट रिंग, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोला जाता है किलेट। किलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है, इसको बोला गया है किलेट इफेक्ट। ओके, तो ये लिखा है कि मल्टीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं आल्सो नोन एज किलेट लिगेंड्स, इट ऑन कोऑर्डिनेशन फॉर्म क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग। समझिए ना, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एक साइक्लिक या क्लोज्ड रिंग बनती है विच इज कॉल्ड किलेट रिंग। समझ गए बच्चों, उसको क्या बोला जाता है? किलेट रिंग। एंड रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड किलेट कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? किलेट कॉम्प्लेक्स। किलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन सिंपल कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। इसको क्या बोला गया है? किलेट इफेक्ट, कि जो किलेट्स बनते हैं वो सिंपल कॉम्प्लेक्स से कहीं ज्यादा थर्मली स्टेबल है। हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम लेंगे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में, कि आखिर ये क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, वहां मैं आपको
बहुदंतुक लिगैंड किलेट लिगैंड कहलाते हैं। समझिए बच्चों, ये संकुल निर्माण में एक वलय बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, किलेट वलय। ये हेट्रोसाइक्लिक विषमचक्री वलय होती है तथा बना हुआ संकुल किलेट संकुल कहलाता है। किलेट संकुल सामान्य संकुल से अधिक स्थायी होते हैं, इसे बोलते हैं किलेट प्रभाव। जैसे एसीएसी है, डीएमजी है, ईडीटीए है, समझ गए ना, और कैपिटल ईडीटीए है, एनटीए है, ये सब क्या है बच्चों, किलेट लिगेंड्स। आप देखोगे इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो ये लिगेंड्स अपने एक से ज्यादा डोनर एटम्स द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास है कोबाल्ट एसीएसी कॉम्प्लेक्स, ओके, होल थ्रेस, तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लेंगे। तो ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इतना लिगेंड दिख रहा है ये, ओके, तो यही क्या है, किलेट लिगेंड। मतलब यहां पर जो ये है एसीएसी, ये है किलेट लिगेंड। तो ये अपने ऑक्सीजन किसके थ्रू और इसके थ्रू एक एक लोन पेयर डोनेट करके, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रिंग बना रहा है, इसी रिंग को हम क्या बोलेंगे, किलेट रिंग। और यहां पर ये पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे किलेट कॉम्प्लेक्स, और एसीएसी यहां पर क्या है बच्चों, किलेट लिगेंड। समझ गए ना। तो इस तरह से जो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स हैं, जो एक मल्टी पोजीशन से मेटल आयन से जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स, और इन्हीं मल्टीडेंटेट लिगेंड्स को बोला गया है किलेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आता है सिग्मा डोनर लिगेंड्स। सिग्मा डोनर लिगेंड्स मतलब ऐसे लिगेंड्स जो अपना लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कोई अदर बैंड नहीं होता, तो उनको बोला जाता है सिग्मा डोनर लिगेंड। समझ गए ना, कि लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर टू मेक सिग्मा बॉन्ड मींस एल लोन पेयर एम, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसा बना होगा विद मेटल एटम माइनस, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के साथ इस तरह से लोन पेयर देके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो है सिग्मा डोनर लिगेंड। जितने भी आप मोनोडेंटेट लिगेंड देखते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड देखते हैं, अगर वो लोन पेयर देके सेंट्रल एटम से केवल जुड़े हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो सब यही होंगे। जैसे H2O, अमोनिया, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऐसे बहुत सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, यही को बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड्स, ओके। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कि इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स अपना लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स होती हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, उनके थ्रू ये मेटल आयन से पर्याप्त अप्रिसिएबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेप्ट करके और क्या बना लेते हैं वहां पर, पाई बॉन्ड। मतलब है कि मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई। सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा कि मेटल और लिगेंड में लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है, और जो पाई बॉन्ड है वो मेटल जो है वो लिगेंड को अपना पेयर डोनेट करता है। जैसे कि निकिल कार्बोन होते हैं, ओके, निकिल कार्बोनल जो है कंपाउंड, आप देखोगे या जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम ये देखेंगे कि इनमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड दिखते हैं इसमें। ऐसे ही FeCO होल पाई में आपको इसी तरह के पाई बॉन्डिंग, तो इनमें सिग्मा और पाई बॉन्डिंग दोनों मिलेगी। जब हम इनको डिटेल में बताऊंगा लूंगा तब मैं बताऊंगा। तो इस तरह के जो लिगेंड्स हैं वो ये है CO और मैनली एनो। CO अपनी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से मैटर का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिंग है बच्चों, ठीक है, वो स्कैंडियम 3+ से, और अगर आप या स्कैंडियम से लेके निकिल और कॉपर तक चले या जिंक तक चले, तो ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और इस तरह से ये पाई बॉन्डिंग में, तो ये जो डोनर और एक्सेप्टर नेचर है लिगेंड का, ये डी ऑर्बिटल्स में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो बढ़ता जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट जब हम निकिल कार्बोनाइल्स में लेंगे तो इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। यही लिखा है कि लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल एटम बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड एंड एक्सेप्ट अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम और आयन टू इनटू बिगेंड पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि लिगैंड जो धातु आयन से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और धातु आयन से पर्याप्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अपनी रिक्त स्टार पाई और पाई स्टार कक्षक में ग्रहण करके पाई बॉन्ड बनाते हैं तो इसे बोलते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड CONO। इनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे यहां मेटल आयन और ये कार्बन आयन तो ये एंटी बॉन्डिंग से इसका लोन पेयर, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये है वैलेंट ऑर्बिटल, तो बस इनके बीच में पाई बॉन्डिंग होगी और जो लिगैंड और मेटल के बीच में ये बॉन्डिंग है ये क्या है सिग्मा बॉन्डिंग, इसने अपना लोन पेयर उठा के इसको डोनेट कर दिया है, तो इस तरह से इनको बोलते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। से नोट करें अब देखो बच्चों नेक्स्ट है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स, उसमें हमने देखा था सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर था कि सिग्मा बॉन्ड मेटल और लिगैंड के बीच में, लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के साथ और पाई बॉन्ड मेटल और लिगैंड के बीच बनता है जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगैंड को। यहां पर क्या है कि लिगैंड that donate and accept pi electrons through pi bonds with metal atom or ion। इसमें जो ligand होगा वो अपना lone pair donate करेगा metal ion को और वो भी कौन सा pi bond, ठीक है ये कौन सा bond है बच्चों यहाँ पर pi bond, मतलब metal atom अपना lone pair donate करेगा metal ion, मतलब ligand अपना lone pair donate करेगा metal ion को और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा मेटल आयन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में इस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहां पर तो डोनर हो गया, डोनर कौन है लिगैंड और यहां पर डोनर कौन है बच्चों मेटल आयन, समझ गए ना, तो इस तरह के लिगैंड जो कि अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल आयन के साथ पाई बॉन्डिंग करते हैं और मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपने साथ पाई बॉन्डिंग करते हैं तो ऐसे लिगैंड्स कहलाते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स। उसमें अगर मैं गलती से कहीं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बोल गया हूं तो उसमें आपको ध्यान रखना है वो था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, समझ गए ना। तो यहां पर जो एन और ये एल लिगैंड बॉन्ड है ये भी क्या है पाई है, यहां पर ये डोनर है और यहां पर ये एक्सेप्टर, समझ गए बच्चों, और यहां से जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ये भी पाई है तो यहां पर ये एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है, और यहां मेटल क्या है डोनर होता है, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्डिंग ही हो रही है जबकि इसके पहले वाले में आपने देखा सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर में कि जो एम और एल था तो ये तो था सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ये डोनर था और ये क्या था एक्सेप्टर था और यहां जो पाई बॉन्ड बना था तो यहां पर ये एक्सेप्टर बन गया था और ये क्या था डोनर हो गया था, तो ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में है और ये दोनों के दोनों पाई डोनर पाई एक्सेप्टर में है, तो इस तरह के लिगैंड्स को बोलते हैं ये वाले लिगैंड्स, समझ गए होगे आप। तो लिगैंड्स जितने भी टाइप्स हो सकते थे उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपने।